ऐसे लोगों का खून की परसेंटेज बढ़ जाना ये उन लोगों में होता है जो गोश्त ज्यादा खाते हैं, तली चीजें ज्यादा खाते हैं, गर्म चीजें ज्यादा खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, पानी का कम इस्तेमाल करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तू हबीबतू तबीबतू दर्द जी दवा, जानिब मुझे जी में आज़ार जानवा, साहिब दे शफा मियाँ मरीज़न। दोस्तों, हमने इससे पहले एक क्लिप बनाया था कि हिकमत क्या है। उसमें आपको हमने बताया कि चार मिजाज हैं, उन मिजाज के बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको ख़ुद पता चल जाएगा अगर आप गौर से सुनेंगे कि किस किस मिजाज के लोग अमूमन पाए जाते हैं और उन मिजाज के लोगों को कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। जैसा कि हमने पहले बताया था कि जो हम खाते हैं, हिकमत में कहा जाता है कि उसका सत, उसका निचोड़ 24 हिस्से टोटल हासिल होता है, जिसमें से 12 हिस्से खून, 8 हिस्से बलगम, 3 हिस्से सफरा और 1 हिस्सा सौदा का होता है। आज हम जो बात करने जा रहे हैं, दमी मिजाज या खलत खून की बात करने जा रहे हैं, जिनमें खून की ज्यादती हो जाती है, वो किन किन बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। दमी मिजाज या खून के मिजाज, इसे हिकमत में गर्म तर कहा जाता है। इसके जो लोग होते हैं जिनमें खून की परसेंटेज कहा जाए जो नॉर्मल से बढ़ जाती है, तो उनको कौन कौन से प्रॉब्लम आते हैं, जब घट जाती है तो उसे कौन कौन से प्रॉब्लम आते हैं और उनका इलाज क्या है। खून की परसेंटेज बढ़ जाना, उस पेशेंट को आप देखेंगे तो उनके हाथ पे लाल रंग के होंगे, नाम लाल दिखाई देंगे, उनका चेहरा लाल, जबान लाल होगी, उनके जबान का जायका या मुंह का जायका जो है वो मीठा होगा। ऐसे लोगों की जाहिरी कैफियत से आप अंदाजा लगा लेंगे कि ये खून के ज्यादती की वजह से ऐसा है। उसकी खास तौर निशानियां हैं, सर का भारी रहना, जमाइयां ज्यादा आना, सुस्ती, वजन का बढ़ना, हवा सुस्त, मुंह का जायका मीठा, सारा बदन लाली और मुंह जबान लाल, मसूड़े फूले हुए, बाज़ोकात अगर बढ़ जाती है बात तो नाक से खून आता है, जिसे नकसीर भी बोलते हैं, और मसूड़ों से खून भी आता है। उसको सारे बदन में दर्द होगा और ज्यादा बात बढ़ेगी तो लाल धब्बे जिस्म पे नमूदार होंगे। अगर उसका इलाज सही ना किया जाए, उसको कंट्रोल ना किया जाए, तो उसको फोड़े फुंसियाँ निकलना शुरू हो जाए। ऐसे लोगों का खून की परसेंटेज बढ़ जाना ये उन लोगों में होता है जो गोश्त ज़्यादा खाते हैं, तली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, गर्म चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, पानी का कम इस्तेमाल करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि खून के बढ़ जाने से जो बीमारियां पैदा होती हैं वो कोई आसान नहीं।
इस बीमारियों में अगर हम देखें तो सबसे पहले जिसके खून की परसेंटेज बढ़ जाती है उसमें हरारत जिस्म में बढ़ जाती है, पहली बात उसमें एसिडिटी बढ़ जाएगी, दूसरी बात उसे पाइल्स होते हो सकते हैं, तीसरी बात उसमें सबसे बड़ी ये होती है कि उसको कार्डियक प्रॉब्लम होगा, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। इस असना में कोई भी कैपिलरी माइनर डैमेज हो सकती है, ब्लीड हो सकता है और आगे बात जाएगी तो उसे स्ट्रोक भी हो सकता है, यानी फालिज भी उन्हीं लोगों को होता है। तो लिहाजा इसके आसान तरीका यह है इसके इलाज का, जैसे हमने बताया था 5 स्टेजेस में आप इसका इलाज कर सकते हैं। पहले आप इसको मुसफ़ी हरारत जोश खून, यानी कि खून की हरारत को जोश को कम करने वाली दवा देंगे। जैसे कि मैंने कहा था कोई चीज़ जड़ी बूटी ऐसी हो जो भिगो के रखी जाए, सुबह में पिलाई जाए, उससे हरारत कम हो जाती है। उसमें मशहूर अदवियात जो हैं वो दी जा सकती हैं, तुख्मे कासनी है, तुख्मे काऊ है, धनिया है, अनाब है, संदल है, अर्क बैद मुश्क है, और आप जो ठंडी मिजाज की चीज़ें हैं जड़ी बूटियां हैं उन्हें आप रात को भिगो के रखें और सुबह में पिलाएं तो उनकी खून की हरारत कम हो जाएगी। अब जब इस खून की हरारत कम होगी तो आप उसकी वजह मालूम या उसकी इलाज की बात करेंगे, उसमें दो चीज़ें हो सकती हैं कि या तो ब्लड गाढ़ा ज़्यादा हो जाता है लोगों का या पतला हो जाता है ज़्यादती के बिना पे। अगर खून गाढ़ा हो गया तो उसको आप आलू बुखारा, सौंफ, शाहतरा का पानी, शहद का शरबत पिला सकते हैं। गाढ़े खून को पतला करने की दवाइयाँ आप ले सकते हैं। अगर मुगलज खून मीन्स पतला खून है उसे गाढ़ा करना है, ये इलाज बता रहा हूं आपको, उन जो ब्लड से लोगों को प्रॉब्लम होता है अगर उसको मोतदल या इतदाल में नहीं लाएंगे तो उनको बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे मैंने बताया वो हो सकती है। पतले खून को गाढ़ा करने की अदवियात जैसे काबली हड़ है, तुख्मे बालंगा है, बेदाना है, मिश्री का शरबत है और गोंद कतीरा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है आप अगर उसे देंगे, आप सफूफ की जरूरत में दे सकते हैं, शरबत बना के भी दे सकते हैं, भिगो के भी पिला सकते हैं, तो ये चीज़ इस्तेमाल कराने से वो सही हो जाए। इसके बाद आप देखेंगे कि मुसफ़ी खून, खून को साफ करने वाली अद्वियात आपको लाजमन देनी पड़ेगी। मुसफ़ी खून में आता है शातरा, गुलमंडी, सरपुका, संदल सफ़ेद, नीम की छाल, अनाब, जरदड़, बैड़ा, चरायता, पनीर बूटी, इनका काढ़ा बना के देंगे तो मुसफ़ी खून का काम करेगी, खून साफ होगा, जो एक्सेस में टॉक्सिन्स हो गए हैं ब्लड में वो ख़त्म हो जाएंगे, जिसकी वजह से अल्सर वगैरह होता है या पाइल्स होते हैं या फोड़े निकालते हैं, तो ये चीज़ उसकी सही हो जाएगी, वो नॉर्मल होने लगेगा। उसको मसल कोई लेक्सिटिव देना लाजिम है ताकि टॉक्सिन्स बॉडी से निकल जाए। उसमें जर्द है, उसमें आप हड़ को गुलकंद में मिला के दे सकते हैं, उसे आप सना मक्की दे सकते हैं, सफूफ बना के दे सकते हैं, उसमें शरबत बना के भी दे सकते हैं, उसका अर्क भी दे सकते हैं। तो इन चीज़ें इस्तेमाल करने से उसके जो है जुलाब या उसके पेट खाली होगा, उसका कब्ज़ नहीं होगा, क्योंकि जो गोश्त का इस्तेमाल करते हैं खून की हरारत, खून की परसेंटेज बढ़ जाती है तो उन लोगों को कब्ज़ भी बहुत होता है।
इसी कब्ज की वजह से फाइल्स होते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। हरारत होगी जिस्म के अंदर, बेचैनी सी लगी रहेगी, सुस्त रहेगा, काम नहीं होगा। तो खून का बढ़ जाना बहुत मुज़र है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। उसके बाद मोतादल कोई दवा दे सकते हैं जो एतदाल पे लाए परसेंटेज, जैसे कि ब्लड है उसको एतदाल पे लाने के लिए दवा अलमस्क मोतादल है, वो आप दे सकते हैं। जवारिश अनारेन है वो दे सकते हैं, जवारिश जालीनूस है वो दे सकते हैं। तो इससे एतदाल में आ जाएगा और उसको तकवियत भी होगी। आप उसे शरबत की सूरत में भी दे सकते हैं, जैसे शरबत अनाब है, शरबत संदल है। तो इस खून की बढ़ने की वजह से जो हरारती सिस्टम है उसका हल ही ठंडी चीजें हैं। तो आप जिस अंदाज में ले सकते हैं, मिसाल को शरबत के अंदाज में ले सकते हैं, भिगो के पी सकते हैं, सफूफ गोली के हिसाब यानी उस तरीके से दे सकते हैं। हुक्मा इसको करें तो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं पेशेंट को, या तो लोग खुद सुन के समझ जाएं कि जिसको इस मिजाज की उसकी तबीयत है तो उसे क्या सूट करेगा। जितनी भी मैंने चीज़ें बताई हैं वो उनको सूट करता है। अगर वो इत्तेदाल में रहते हैं तो बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। अगर खून कम हो जाए तो वो कंडीशन एनीमिया कहलाती है, खून की कमी कहलाती है। उसमें आप हड़बड़ा और शरबत दे सकते हैं उसको, अनारे दे सकते हैं उसको, आलू वगैरह का शरबत दे सकते हैं, खुबानी खिला सकते हैं, उसकी ब्लड परसेंटेज अच्छी हो जाएगी। ऐसे लोगों को सुस्ती बहुत होगी, नींद आएगी, जिस्म में दर्द होता है, जिसका ब्लड कम हो जाता है उसको प्रॉब्लम होती है। तो उम्मीद है कि इन बातों को समझेंगे। जो इस मिजाज का बंदा होगा उसे चाहिए कि गर्म चीजें बंद कर दे। गर्म चीजों से मकसद आप समझ रहे होंगे कि खाने की जो चीजें हैं वो जो इस्तेमाल कर रहा है वो कम कर दे, खाए नहीं या इस्तेमाल ना करे। जैसे कि गोश्त है, चॉकलेट है, मुर्गी है, अंडे हैं, मुर्गन गजाएं हैं, गाय का गोश्त है, मसूर की दाल है, बैंगन है, ये चीजें ना खाए, इससे उसे प्रॉब्लम आ सकता है। तो याद रखिएगा, ब्लड के बढ़ जाने से स्किन रैशेज होंगे, फोड़े निकलेंगे, होंठ फट जाएंगे, मुंह या लाल होगा, जबान फूल जाएगी, मसूड़े फूल जाएंगे या उसमें से ब्लीडिंग हो सकती है, नक्सीर नाक से खून आ सकता है, उसका वजन बढ़ेगा, कार्डियक प्रॉब्लम आएगा, उसको स्ट्रोक हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन उसको होगी होगी, एसिडिटी होगी। तो इन चीज़ों से बचने के लिए मैंने आसान चीज़ें वो भिगो के रखे पिए, जैसे धनिया है, आलू बुखारा है, जीरा है या संदल है, ये भिगो के रखे रात में, सुबह आपको उसको छान के पानी पी ले तो उसको एहतदार में रहेगा, बड़ी बड़ी बीमारियों परेशानियों से बच जाएगा। उम्मीद है मेरी बातों को समझ में आप समझेंगे। और इस मिजाज के लोग अपने आप को संभाल के रखें, समझ जाएं कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना।